मज़ा बहुत आ रहा है, ये सफ़र बहुत सुहाना है। हम लोग गुजरात के सड़कों पे बस में सफ़र कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक्सपीरियंस आ रहा है। वैसे भी एक कहावत है दोस्तों, कहीं पे पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं से निकलना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को दीदार कराएंगे रानी की बाव का, फिर मिलते हैं पहुंचने के बाद। टिकट अब कटा रहे हैं, ये देखिए इंडियन विजिटर के लिए 40 और विदेशी के लिए है 600 रुपीज। यहाँ पे कटाने के बाद हम लोग अंदर जाएंगे। हम लोगों ने टिकट कटा लिया है, जा रहे हैं। चलिए बोले तो चलिए पहले इसके बारे में कुछ इतिहास जानते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। रानी की बाव, इस भव्य भाव का निर्माण भीमदेव 1022 से 1763 ईस्वी की रानी उदयमती ने 11वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में करवाया था। भीमदेव अनहिलवाड़ पाटन के सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज के वंश थे। पूर्व पश्चिम दिशा में निर्मित यह भाव, जिसका कुआं पश्चिम छोर पर स्थित है, 60 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा और 26 मीटर गहरा है। इस भाव में स्तंभ युक्त बहुमंजिला मंडप, कुआं और अतिरिक्त पानी जमा करने हेतु बड़ा सा कुंड है। भाव की वास्तुगत विशेषता एवं चारुता की झलक इसकी सुंदरता नक्काशियों में दिखाई देती है। भाव की दीवारें महिषासुरमर्दिनी पर्वती और अन्य शैव प्रतिमाएं, विभिन्न मुद्राओं में भगवान विष्णु की प्रतिमाएं, भैरव, गणेश, सूर्य, कुबेर, लक्ष्मी नारायण, अष्टदिक्पाल एवं अन्य मूर्तियों से अलंकृत है। अप्सरा, नाग, कन्या, योगिनी आदि नारी प्रतिमाओं का कई मुद्राओं में चित्रण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत रानी की बात को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन राष्ट्रीय महत्व का राष्ट्र संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। सदियों तक यह भाव जमीन के भीतर दफन रही और कालांतर में सरस्वती नदी में आई बाढ़ एवं उपेक्षा के कारण इसे काफ़ी क्षति पहुंची। 20वीं सदी के 6वें दशक तक किसी को इस अलंकृत एवं प्रतिभायुक्त भाव के अस्तित्व की जानकारी नहीं, क्योंकि तब तक यह भाव ऊपरी हिस्से को छोड़कर पूरी तरह से मिट्टी एवं रेत से ढक चुकी थी। 1146 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ पर उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सतत प्रयास एवं उत्खनन के द्वारा मिट्टी में दबी इस अमूल्य वास्तुशिल्प धरोहर को इसके वास्तविक स्वरूप में उजागर किया। जो प्रतिमाएं वास्तुशिल्पियों घटक अपने मूल स्थान से अलग हो गई थी, उन्हें अत्यंत सावधानीपूर्वक पुनः स्थापित कर दिया गया। अपने नाम के अनुरूप ही रानी की बाव गुजरात की बावों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, यह जान लिए, अब चलते हैं इसके हूबहू इसका जो है दीदार करने के लिए। तो दोस्तों इतना ही नहीं, बल्कि ये जो है भीमदेव प्रथम, उनकी याद में उनकी धर्म पत्नी उदयमती ने रानी की बाव का निर्माण किया है। तो दोस्तों इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी प्यार को प्यार के ही नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज सामने से हूबहू उसका दीदार करते हैं, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। दोस्तों आपने तो सुना होगा ताजमहल जो शाहजहां ने जो है मुमताज के याद में बनवाया था, लेकिन दोस्तों अपने हिंदुस्तान की कुछ यूं कहानी है कि रानी ने अपने राजा की याद में इसे बनाया है। तो चलिए इसका नज़दीक से दीदार करते हैं। और हाँ दोस्तों, इसी बीच में आपको
सारे चीज का मनोरंजन करवाना चाहता हूँ। देखिए ये कितना प्यारा सा सुंदर सा सड़क बनाया गया है, घास लगाया गया है, सुंदर सी दृष्टि को काफी आकर्षक और अद्भुत बनाती है। उधर भी चलेंगे, पहले इसका दीदार करते हैं। Come on, let's go। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप इसका दीदार कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत ये रानी की बाव है। चलिए अब हम इसको जो है आपको नजदीक से दिखा रहे हैं। ये हमारा दोस्त थोड़ा बहुत गुस्सा रहा है, हम इसका इतिहास बता रहे हैं। मना है क्योंकि ये बहुत ही पुराना है, हो सकता है। देखिए आप, ये देखिए दरार पड़ चुका है क्योंकि ये मिट्टी में दबा हुआ है। इतिहास में यानी कि स्टार्टिंग में हम बता चुके हैं, और इस पे जो है तरह तरह के इंद्राणी, नटराज, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सबका जो है इस पे जो है ये पत्थर को खोद कर जो है उसका जो है ये क्या बोलते हैं उसको शिल्पकारों ने तराशा है। आप देख सकते हैं, ये हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। बढ़िया अच्छा लग रही है। ये देखिए इसमें सूर्य देव का आकृति बना है।
आपको ये भी बता दूँ कि आप जो 100 रुपये का नोट देखते हैं उसके जो है मजा आ गया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं और आपको घुमाएंगे कि घूमने के लिए मजा आ रहा है। चलिए यहाँ से ये कुछ इस तरह का दिखता है, ये बहुत ही आकर्षक है दोस्तों। टाइम मिले तो कभी आइए घूमने। अपने भारत में बहुत सारा इतिहास का धरोहर है, बहुत अच्छा लगेगा घूमकर। आइए टाइम निकाल के अपने इतिहास को जानिए। ये है यहाँ का सुंदर आकर्षक। तो जैसा कि आपने देखा ये क्या रानी का बाग जो भारत में गुजरात के पाटन में स्थित है, एक प्रसिद्ध सीढ़ीदार कुआं है जो कि यहाँ की रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव प्रथम के याद में बनवाया था। राजा की याद में